राजौरी में आतंक फैला रहे लश्कर ए तैयबा के कमांडर कारी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बुधवार से शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान जवानों ने आतंकियों को घेर लिया और मौका मिलते ही कारी समेत दो आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकी कारी डांगरी और कांडी हमलों का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा राजौरी और पुंछ में भी उसने कई हमलों की साजिश रची थी। कारी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद उसे घाटी में आतंक फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कारी आईडी में स्पेशलिस्ट था और गुफाओं में छुपकर काम करने वाला ट्रेन स्नाइपर भी था। तो सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी इस पूरे ऑपरेशन में हाथ लगी है। एक लश्कर ए तैयबा के टॉप आतंकी क्वेरी को सुरक्षा बलों ने यहां पर ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि क्वेरी पिछले एक साल से लगातार राजौरी और पुंछ में हुए आतंकी हमले में लगातार शामिल था और उसकी कोशिश यही थी कि जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले करवा कर यहां पर दहशत फैलाई जा सके, पर इस आतंकी को मार गिराकर सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की है। इस ऑपरेशन में जो बाजीबल में चल रहा था, कल से ही सुरक्षा बलों को इनपुट्स थे कि इस इलाके में दो से लेकर तीन आतंकी जो हैं वो छुपे बैठे हैं, जिसने यहां पर इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि आतंकी दो से तीन दिन पहले इसी इलाके में घूम रहे थे। बुधवार को धर्मशाला के बाजीमाल इलाके में आतंकियों को छुपे होने की जानकारी मिलने पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान जंगल में छुपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के दो कैप्टन समेत दो जवान शहीद हुए थे, जबकि आज भी एक जवान की शहादत हुई। आतंकियों के इस काराना हमले का जांबाज जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और घने जंगलों में छुपे आतंकियों का सफाया किया। हमारे जो ये जाबाज सिपाही है हमेशा ढाल बनकर आगे रहे हैं। अगर ये आतंकी इन्हीं जंगलों में महदूद हैं या फिर इन्हीं जंगलों से ऑपरेट करने पर मजबूर हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जाबाज सिपाहियों ने उन्हें यहीं पर रोका हुआ है। शहरी इलाकों में अगर वो पहुँचते हैं तो बड़े आतंकी हमले कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने इस पूरे ऑपरेशन को इतने टेक्टफुली यहाँ पर जो है वो चलाया है कि यहाँ पर ना तो किसी का कोलेटरल डैमेज हुआ, ना ही यहाँ पर किसी लोगों में यहाँ पर किसी तरह की दहशत फैले, उसको यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ घने जंगल का इलाका होने की वजह से दिक्कतें जरूर सामने आ रही हैं, पर जवाब सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी से ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। कारी के सफाई के साथ ही पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं को भी साफ संदेश दिया गया है कि आतंकी घाटी में माहौल बिगाड़ने की कितनी भी कोशिश कर लें, सुरक्षा बल उसे हर हाल में नाकाम कर देंगे। पिछले एक साल से इस आतंकी की तलाश सुरक्षा बलों को थी और कोशिश यही की जा रही थी कि जल्द से जल्द इसे ढेर किया जा सके, पर उसी कोशिश में सुरक्षा बलों को कामयाबी कल शुरू हुए ऑपरेशन में मिली और बाजीमल में जो एक बड़ी कामयाबी मिली है, कहीं ना कहीं जरूर सुरक्षा बलों के लिए भी और आम जनता के लिए भी एक राहत जरूर है कि यहां पर जो लगातार आतंकी छुपा हुआ था, यहां पर जो आतंक फैलाने की कोशिशें कर रहा था पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, उसे यहां पर ढेर कर दिया गया। और उम्मीद है कि अभी ये कई सारे और आतंकी जो हैं उन्हें जानने की जो राह है वो हमारे सुरक्षा बल पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ अजतपुर आजी मीडिया बाजीमल राजौरी जी न्यूज।